उत्तरकाशी में पुरौला और आराकोटा की घटना के विरोध में आज गंगोत्री व्यापार मंडल एवं रावल तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री बाजार को बंद रखा। साथ ही व्यापारियों सहित रावल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थल और यहां पर लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, इसीलिए शासन प्रशासन को सख्ती से भारी लोगों का सत्यापन करना चाहिए ताकि यहाँ पर भारी लोगों का घुसपैठ बंद किया जा सके। ऐसे तत्व आ रहे हैं जिनका कोई आईडी नहीं है, कोई आईडी की जांच नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, धाम की बदनामी जो है रात दिन हो रही है, यहाँ पर नकली सामान बेचा जा रहा है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही इस मामले में, तो इसलिए आज हमें कम से ये कदम उठाना पड़ा कि पूरे बाजार बंद करना पड़ा ताकि सरकार के कान में कुछ भनक पड़े और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करें। हम अनिश्चितकाल के लिए है मार्केट बंद कर रहे हैं जब तक जो है इसमें ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर उत्तराखंड में बढ़ते लव जिहाद के मामले को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में पुलिस और गृह विभाग के आला अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि राज्य सरकार लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। पुलिस अधिकारियों को इसके लिए खास निर्देश हुए हैं, जहां धर्मांतरण की बात आएगी वहां धर्मांतरण कानून के तहत कार्य किया जाएगा। जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मंत्री जी से उस पर चर्चा में करके आ रहा हूं, और हम ऐसी नज़ीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं।